पिछले एपिसोड में मैंने आपको दिखाया कि हम पठानकोट पहुंच चुके हैं, करीबन रात के 9 बज रहे हैं एंड अब हम जा रहे हैं लखनपुर बॉर्डर की तरफ। अब दिक्कत ये आ रही है कि हमने सोचा था कि पंजाब से हम RT-PCR कराकर निकल लेंगे, लेकिन पंजाब में कहीं पर भी ऑनलाइन रिपोर्ट अवेलेबल नहीं थी और हम निकल गए हैं सीधा जम्मू के लिए। अब पता नहीं है कि लखनपुर बॉर्डर हम पार कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ओनली टाइम इज गोइंग टू टेल। वेलकम टू जम्मू एंड कश्मीर, द पैराडाइज ऑन अर्थ। चल भाई, अब पता चलेगा क्या हो रहा है। जम्मू कश्मीर का बॉर्डर है, या चेक पॉइंट है एंड यहाँ पे ये कोविड टेस्ट, यहाँ पे ये सैम्पलिंग सेंटर भी है। आप राइट साइड में देख रहे हैं, यहाँ पे ये सारे काउंटर्स भी बने हुए हैं। चेक पोस्ट पे काफ़ी रश है। तो गाइज, इस वक्त है हम लखनपुर बॉर्डर पे एंड जम्मू कश्मीर में एंटर करने के लिए ऑफ़ कोर्स हमें RT-PCR चाहिए, जो हमारे पास नहीं था। तो अब हम करने जा रहे हैं एंटीजन टेस्ट। ऐसा कुछ फॉर्म हमें मिला है भरने के लिए रैपिड एंटीजन टेस्ट के लिए। पहले भी यहाँ पे टेस्ट हो रहा है, सो हर चीज़ के अलग काउंटर्स हैं यहाँ पे। कहाँ गए? और यहाँ पे ये लंबी चौड़ी लाइन लगी हुई है, जेंट्स अलग लेडीज़ अलग। हम जा रहे हैं लेडीज़ में। पे बिजली भी चमक रही है, कुछ बारिश आने की संभावना हो रही है और कुछ इस तरीके से सब कुछ अभी लग रहा है। रात के 9 बज रहे हैं, इस टाइम भी यहाँ पे इतना ज़्यादा रश है। रति जैन, हाउ आर यू फीलिंग? योर फर्स्ट कोविड टेस्ट। ये देखो गाइस, क्या हाल हो रहा है यहाँ पे। मिट्टी चल रही है, आंधी तूफान आ चुका है। हमारा जो टेस्ट हुआ है वो उस बूथ में हुआ है। सो फाइनली गाइस, हम पहुँच गए हैं लखनपुर बॉर्डर पे, जहाँ से कि हम जाने वाले हैं कश्मीर की। और आप देख ही सकते हो कितनी गंदी तरीके से आंधी चल रही है, बट रिस्पाइट फ्रॉम द वार्म वेदर जो अब तक हमें मिला है। मेरी रिपोर्ट आ चुकी है, आई एम नेगेटिव एंड नाउ आई एम ऑल सेट टू लीव फॉर दिस एपिक ट्रिप। गाइस, बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई है और क्या जगह है यार अटकने की। रति और मैं जो है ना लखनपुर के टॉयलेट में अटक गए हैं और बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई है। अभी भी हम लखनपुर बॉर्डर पे है, डिस्पाइट द फैक्ट कि हमारी नेगेटिव रिपोर्ट्स आ गई है। जीजू का अभी तक रैपिड एंटीजन टेस्ट नहीं हुआ है, 10:30 बज गए हैं। एक चीज़ जो मैं बताना भूल गई वो ये है कि रैपिड एंटीजन टेस्ट लखनपुर बॉर्डर पे फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। अब हो गई है बहुत तेज़ बारिश, मैं अभी टॉयलेट में फंस गई थी, अब वहाँ से निकल के आई हूँ, अपनी गाड़ी में हूँ, जीजू का वेट कर रही हूँ। सो आई डोंट नो आज हम क्या करने वाले हैं, हम कहाँ। तो गाइस, हम यहाँ पे काउंटर पे रुके हैं रैपिड एंटीजन टेस्ट के बाद। हमें यहाँ पे गाड़ी का पास बनाना है, उसके बिना हमें छोड़ेंगे नहीं। अब हम आगे निकल गए हैं टूवर्ड जम्मू सिटी। अभी रात के 11:30 बज रहे हैं गाइस एंड अब हम जा रहे हैं जम्मू कुछ होटल वगैरह देखने। भाई देखो, हम बैंगलोर से निकले थे तब भी बारिश की झड़ी लगी हुई थी, अब हम जम्मू जा रहे हैं तब भी बारिश की झड़ी लग गई है। मैंने यहाँ पे जब टेस्ट हमारा हो गया था, नेगेटिव आ गया था, लेडीज की लाइन अलग थी,
सो उस टाइम मैंने यहाँ पे एक पुलिस गार्ड से पूछा था कि यहाँ पे रोज बारिश होती है या नहीं होती है. वो कह रहे हैं बस ऐसी रात को हर शाम को आंधी तूफान चलता रहता है. बट गाइस देखो आज हम आया तो यहाँ पे बारिश भी हो गई है विद आंधी तूफान और विद बिजली ऑल्सो. ये देखो ये इस तरीके से चीजें उड़ उड़ के बीच में आ रही हैं. डेंजरस है बहुत ज्यादा बिकॉज बहुत ही हैवी विंड चल रही है और बहुत ही कुछ उड़ रहा है. तूफान आया हुआ है एक्चुअली. सो गाइज ये बोट देखो जरा कितनी जोर जोर की हिल रहा है. भाई हम तो तूफानी बारिश में फंस गए हैं बिल्कुल. थोड़ा सा आपको लेफ्ट और राइट दिखाती हूँ. हमने अभी कार खड़ी करी है वो भी हिल रही है. हवा का प्रेशर इतना ज्यादा है. ओह गॉड गाइस यहाँ तो पेड़ गिरे पड़े हैं यार. मतलब बुरी हालत हो रही है. सो गाइस यहाँ पे तो पेड़ भी गिरे पड़े हैं. सो आप समझ सकते हो कितना ज्यादा यहाँ पे तूफान आया हुआ है बिल्कुल. कि पेड़ भी गिर गए हैं. बड़े बड़े पेड़ झाड़ गिरे पड़े हैं लिटरली. ट्रिप की और भी अनगिनत वाटर क्रॉसिंग्स में से एक. ये देखो यहाँ पे सब कंस्ट्रक्शन हो रही है. ऑफ रोड पैच है सो गौरव को थोड़ी सी एक्सेलरेशन चाहिए थी. और थोड़ा मडी एरिया भी है. स्लश हो रहा है. सो यहाँ पे देखो कितना ज्यादा जाम ही जाम मचा पड़ा है.